आज का इंडिया तो पूरे दशक के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। हाँ, तरीका 2020 वाला है। और इरादा पूरी सीरीज में अच्छे परफॉर्मेंस का है, नए रिकॉर्ड्स बनाने का, और इस सीरीज को भारत की सीरीज बनाने का है। दुनिया का सबसे युवा देश अब तेजी से खेलने के मूड में है। सिर्फ 8 महीने की सरकार ने फैसलों की जो सेंचुरी बनाई है वो अभूतपूर्व है। आपको अच्छा लगेगा, आपको गर्व होगा कि भारत ने इतने तेज फैसले लिए, इतनी तेज गति से काम हुआ। देश के हर किसान को पीएम किसान योजना के दायरे में लाने का फैसला डन। किसान, मजदूर, दुकानदार को पेंशन देने की योजना डन। पानी जैसे अहम विषय पर साइलोस खत्म करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन डन। मिडिल क्लास के अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड डन। दिल्ली के 40 लाख लोगों को घरों पर अधिकार देने वाला कानून डन। 3 तलाक से जुड़ा कानून डन। चाइल्ड एब्यूज के खिलाफ सख्त सजा का कानून डन। ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अधिकार देने वाला कानून डन। चिटफंड स्कीम के धोखे से बचाने वाला कानून डन। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट डन। कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कमी डन। रोड एक्सीडेंट्स की रोक के लिए सख्त कानून डन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन डन। देश को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन की डिलीवरी डन। बोडो पीस अकॉर्ड डन। ब्रू रियांग परमानेंट सेटलमेंट डन। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का काम डन। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला डन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला डन। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी डन। ये कभी कभार टाइम्स नाउ पर देखता हूं, न्यूज 30, इतनी मिनट में इतनी खबरें, ये कुछ वैसा ही हो गया। और ये सिर्फ सैंपल है। और इस सैंपल से ही आपको लग गया होगा कि द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हियर। मैं नॉनस्टॉप ऐसे अनेकों फैसले और भी गिना सकता हूं। सिर्फ सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी लग सकती है।